ओ भाई फट के चार आ गए, ये झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी हम लोग एक जगह जा रहे हैं, सरप्राइज है। सरप्राइज तो क्या, ये एक हिडन जैम है बेसिकली, और हिडन जैम के बारे में मैं आज बताऊंगा आपको। दिस इज व्हाट इट इज। वी हैव त्रिलोक विद अस, दीखा विद अस। दीखा सही नाम कहीं है, बीसी बन्नी है? बन्नी बन्नी बन्नी, हाँ बन्नी बोलो भाई, बन्नी बन्नी। तो आज हम लोग बनी के विलेज जा रहे हैं बेसिकली, बनी बोरा बनी। जो मिली ना कभी वो पहचान दिलाता हूँ, चलिए आपको एक नया राजस्थान दिखाता हूँ। मेरा आज का सफर राजस्थान के एक गांव की तरफ है। ये वो जगह है जिसके बारे में शायद से आप किसी ना किसी से सुनेंगे तो ही पता चल पाएगा, क्योंकि नक्शे पर इसका नाम होते हुए भी शायद से आपकी नजर इस पे ना जाए, क्योंकि मेरी भी नहीं गई थी और मैं तो काफी नजदीक भी रहता हूँ। सफर पे ज्यादा ज्ञान तो नहीं दे पाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि कभी ना कभी बस चल दीजिए, शायद से आप कुछ नया ढूंढ लेंगे। तो ये भाई रोडवेज बस, वैसे तो प्राइवेट है ये, बट सीन थोड़ा अलग होता है यहाँ पे भाई, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो मैंने अपनी सीट किसी को और को दे दी है जिसको ज़्यादा ज़रूरत थी। इससे मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन गया हूँ, इस सबको करना चाहिए, बस यही बात है और कुछ नहीं। कैसा लग रहा है खड़ा होके? अच्छा नहीं लग रहा है। भाई हम लोगों ने सीट अपनी दे दी है किसी और को, जैसे आप देख सकते हैं, पर एक लकी गाय है हमारे पास अभी भी जिसने अपनी सीट नहीं दी है। सेल्फिश आदमी है, सेल्फिश है। बट मेरा सामान तो इसी सेल्फिश आदमी ने रखा हुआ है। यही लाइफ है भाई, हिडन जैम ट्रैवल करना है तो आपको थोड़ा सा हसल करना पड़ेगा, जरूरी भी है। चलो भाई, फाइनली वी हैव रीच्ड और पहुंच गए हम एक जगह पे। What's up? तो देखो, वैसे तो मैं टेंट नहीं लाने वाला था, बट अभी मम्मी ने मेरे को टेंट दिया अलग से, बोला कि ज़रूरत पड़ेगी और अच्छे फोटोज आएंगे, तो इसलिए टेंट भी ले लिया गया है साथ में, जिसे एक केयर टेकर है साथ में हमारा। वो आगे एक और चल रहा है। तो फाइनली हम करनू पहुंच चुके हैं लोकेशन। वैसे तो हिडन जैम है भाई ये राजस्थान का, यहाँ पे बहुत ही, वैसे मोस्टली टूरिस्ट आते हैं क्या इधर? ज़्यादा बहुत आते हैं, एक कह रहा बहुत आते हैं, कहता है नहीं आते हैं, ये क्या मजाक है। फिलहाल हम यहाँ के बीखे का प्लॉट, बीखे के घर पे जा रहे हैं बेसिकली। लोकेशन बहुत ब्यूटीफुल है भाई, बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है। मतलब हम घर पे पहुंच चुके हैं भीखम के घर पे पहुंच चुके हैं। तो आज का हमारा जो होस्ट है वो आगे चल रहा है, उसका नाम है भीखम चंद, बनी बोलते हैं उसको भाई इंटरनेट पे। बनी का घर आ गया भाई, बनी के घर पे पहुंच गए हम लोग अभी। बनी शूज़ उतार दीजिए। देखिए आप किसी के भी घर में जा रहे हैं पहले, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शूज़ बाहर उतार दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आज का हमारा सफ़र तो यहीं ख़त्म हो गया है। वैसे तुम बताओ यार त्रिलोक, यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल सकता है अगर कोई करनू आता है पहली बार? तो बेसिकली डेजर्ट्स हैं यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा है मारवाड़ी में।
अच्छा। और यहाँ पे जैसे कि पूरे महाराजा वगैरह यहाँ पे, वैसे कि यहाँ पे पंच वगैरह रहते थे, यहाँ पे कोर्ट वगैरह पुरानी स्टाइल की बिल्डिंग्स वगैरह, बेसिकली आसपास सेम यही है कि भाई ये बाहर आ गए हैं दोनों। एक का नाम बनी है। बनी का बनी नाम क्यों है पता चल रहा है मुझे। नाइस। तो भाई दुनिया में कुछ हो ना हो, चाय जरूरी है और चाय मिल गई हमें यहाँ पे, और बहुत बढ़िया चाय है, मतलब A1 है। तुम्हारा क्या कहना है त्रिलोक? पी इतनी बढ़िया थी कि त्रिलोक ने वक्त ही नहीं लगाया चाय पीने में। बस मेरी भी अभी ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम शायद एक्सप्लोर करने निकलेंगे बाहर, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि किसी घर में आप जाते हो ना तो फिर बाहर जाने का मन नहीं करता, और ऐसी सर्दियों का माहौल है तो मतलब कोजी होके सो जाओ, बढ़िया बात ही मत करो किसी से। तो हमने जो सभी खाना खाया है और इतना खा लिया है कि भाई अब चल नहीं पाएंगे लग रहा है। तो खाने के बाद अब हम थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करने निकले हैं, ठीक है। और मतलब एक लो बजट छोटी शॉर्ट फिल्म शूट हो सकती है इधर, इतना प्यारा बना हुआ है ये। गांव का मतलब किला बोले तो, कोट बोले तो। अच्छा ये छोटा सा मैं बोल सकती हूँ, छोटा सा सम है इधर, मतलब इस तरफ नहीं है, थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ है भाई। बहुत सही जगह लग रही है, मतलब इतना अगर मैं यहाँ रह लिया होता ना पूरे लॉकडाउन में तो मैं काम ही नहीं कर पाता कभी, पता है। मैं सोता रहता पूरे टाइम, इतना सुकून है भाई, इतना सुकून है, मतलब ओ हो हो अमेजिंग। हम बेसिकली यहाँ का जो सैंड ड्यून्स है वहाँ जा रहे हैं, और वो अभी एक्सप्लोर करेंगे। शाम को शायद हो सकता है टेंट लगा दे। बेसिकली टेंट जो है मम्मी ने पीछे डाल के भेजा था कि तेरे लिए काम आएगा। मैं बड़ा गुस्सा हुआ था, हमारी लड़ाई भी हुई थी, बट अब क्या कर सकते हैं, माँ तो माँ है। तो हाँ अभी शाम को देखते हैं क्या कर सकते हैं, अभी तो बस ऐसे ही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम लोग, खाना पचाने जा रहे हैं। बहुत खाया है यार, बहुत खाया है, बनी ने बहुत खिलाया हम लोग को। जिंदगी में हसल किया ना हो, किया हो, असली ट्रैक जो करना है ना तुमको, तो कभी रेगिस्तान के मिट्टी पे चढ़ लेना, एहसास हो जाएगा भाई ट्रैकिंग क्या होती है। पहाड़ पहाड़ अपनी जगह है, इसमें फट जाती है इंसान की रियलिटी है ये। ओ भाई थक के चार हो गए, झूठ नहीं बोलूंगा। किसी को कहीं से नज़ारे मिले ना मिले, मुझे मिल गए हैं नज़ारे, बहुत नज़ारे मिल गए। कितनी भी सर्दी हो ना, दिन में ये 10 बार कर लो, गर्मी गर्मी हो जाएगी अंदर। मानो या ना मानो पर ऊपर जाते वक्त करीबन 2 बार ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा कहीं पीछे रह चुकी हो, पर जब एक बार ऊपर पहुंचे तो लगा जैसे सारा किया वसूल हो गया। दूर तक बहुत कुछ एक साथ दिख रहा था और इतना समझ में आ रहा था कि हम प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं है। मनीष कुछ कहना चाहोगे इस जगह के बारे में, तुम्हें ज्यादा पता है, और कितनी बार आते जाते हो तुम ऊपर? कई बार, दिन में 2-4 बार आ जाते हैं। तभी बॉडी बता रही है आपकी। समझ लो मैं अभी थोड़े टाइम ही बोल रहा था पहले कि आत्मा तो कहीं पहले ही रुक गई थी, शरीर जैसे तैसे ऊपर आया, अब जैसे आत्मा आई है तो फिर मैं बात कर पा रहा हूँ। यहाँ पे कैंपिंग हो सकती है यार, यहाँ मैं रात निकाल सकता हूँ अच्छे से टेंट लगा के। पर टेंट लगाने के बावजूद ये शख्स कहता है कि हम बाहर नहीं रुकेंगे,
ये कह रहा है कि हम घर पे रुकेंगे तो फिर हम घर पे रुकेंगे, गांव जिसका चलेगी भी उसकी। नीचे उतरते वक्त आप बहुत ही हल्का महसूस करेंगे, मिट्टी आपके जूतों में और कपड़ों में पूरी तरह जा चुकी होगी, आपकी सांसें आपके कानों को सुनाई दे रही होगी, होठ सूख चुके होंगे, आपके पैर शायद एक बार के लिए आपको महसूस भी ना हो, पर एक बात जरूर है, आप जिंदा महसूस करेंगे। भाई अवार्ड जाता है मनीष को सबसे पहले पहुंचने के लिए। बनी ने धूड़ उड़ा दी, बनी ने सब जगह धूड़ी उड़ाई है समझ लो। धूड़ बेसिकली मिट्टी को बोलते हैं, ठीक है आपको बता देता हूँ मैं जिसको नहीं पता है, और तो लोकल लैंग्वेज में उसे धूड़ कहा जाता है मिट्टी को। इज्जत उठाने को धूड़ उठा लो, दड़ाम धूड़ लगा दी। रेत के इन पहाड़ों से मिलने के बाद अब वक्त था शहर के एक मुख्य शख्स से मिलने का, वो जो शहर को थोड़ा बेहतर और नजदीकी रूप से जानते हैं। मेरा नाम सर जितेंद्र सिंह जी है, चतर सिंह जी लड़कों शहर। ये गांव तो बहुत पुराना है, 1532 में बसा हुआ है, और ये माँ करणी माँ की कृपा से राव अमीर सिंह जी ने बसाया है। उनसे पीढ़ी दर आगे आते हुए राज चलता गया, जैसे ठाकुर पदवी होती है वैसे पदोत्तर चलता गया। जैसे करणों में ये मरवर दोहरा है, ढोला मारू दोहरा बोलते हैं, ये पीछे गढ़ के पीछे, ये बहुत साल पुराना है। वो मरवर ढोला वो पहले कुछ रास रास्ते थे, इस पीछे सब पीछे दिया हुआ है दोहरे में। और यहाँ एक पुराना किला है, ये बहुत पुराना है, 600-700 साल पुराना। 1532 में ये करणी माँ अपने हाथ से नेवी लगा के गए थे, वाछड़ी रोड पे गए थे। ये पुराना करणी जी का मंदिर है। करणों में जो अच्छा खाना है तो वो तो मेन रोड पे, मेन रोड पे मिल जाता है। आपका पसंदीदा खाना? हमारा तो बाजरी का सोगरा है, ग्वारफली का साग है, बस कैर है, कुमिटिया है, सांगरी। और आप यहीं रहते हैं? हाँ मैं यहीं रहता हूँ। और आपकी फैमिली में? फैमिली में सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरे से छोटा एक भाई है, दो भाई हैं, वो बाहर रहता है, सबसे बड़ा है मैं ही रहता हूँ। आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, क्या करना अच्छा लगता है जब भी आप फ्री टाइम होता है? फ्री टाइम होता है तो ऐसे है कि गाँव का मुख्य आदमी हूँ मैं यहाँ का, जैसे पहले तो राजा बनता फिर ठाकुर है, मैं ठाकुर हूँ यहाँ का। और यह है कि जनता की कुछ काम हो सेवा करो, बस मैं खेती का काम करता हूँ बैठा। सर करनू में जो ज़िंदगी है थोड़ी सी सुकून भरी है, मैं बाहर बहुत जगह घूम के आया पर यहाँ पे जो है किसी का भी मन लग सकता है अगर वो शांति ढूंढ रहा है तो। ये है देवों का गाँव है, करनी माँ अपने हाथ से बसा के गए हैं, और यहाँ कोई है नहीं, शांत एरिया है, जो देव की भूमि बोलते हैं, देवों की भूमि है, देवों की भूमि है। हाँ यहाँ से करनी जी अपने करनेर बेरा है, खुदा हुआ है, करनी जी अपने हाथों से काली बाल्दियों को बोला था, यहाँ पानी नहीं था तब के, यहाँ पीछे पानी है, आप जाओ कुएं से पानी निकाल के लेके आओ, तो वो करनी जी का अपना वरदान से बेरा निकला हुआ है, उसको करनेर बेरा बोलते हैं। सर अगर कोई बाहर से आना चाहे तो आप उसके लिए क्या बोलोगे, अगर कोई करनू घूमना चाहता है तो ये करनू गढ़ है, घूमो आप, थोड़ा घूमो आराम से, आप फ्री से घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसे बहुत मिलनसार लोग हैं यहाँ पे और इजी टू अप्रोच है, आप किसी से भी मिल सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो, और सुकून है बहुत इस जगह पे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सर आपका नाम क्या है? सर गणपत सिंह। गणपत सर आप ये बताइए कि इंसान को खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? शांति, शांति में सुख है, शांति में सुख है। यदि आप शांत है तो सुखी है। अगर शांति ढूंढनी है तो योगा करें, योगा करें, भगवान का नाम लेवे, अच्छा उसमें शांति मिलती है, शांति में सुख है। यदि आप धन और माया के पीछे पड़े रहे तो आप शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, नींद नहीं आएगी, आप नींद नहीं आएगी। आपको शांति है तो सुख है, सब कुछ। तो ये राजस्थान का वो हिस्सा है जहाँ पे आपको आना चाहिए यार, आप कभी आप जैसलमेर जाते होगे, बहुत जगह जाते होगे जब, बट यहाँ पे आना चाहिए आपको, ये भी एक अलग, ये हिडन जैम है बेसिकली। ओ कौन है, ओ कौन है,
सुनी भैया और कौन है मी मी चलो बाय कर दो इसको बाय बाय और कर बाय 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 अब आप इतना आगे ही आ गए हैं तो थोड़ा और रुक जाइए ना क्योंकि दिन का आखिरी तोहफा भी बाकी है हम ही हैं तेरे लिए खास फिर से हम उन्हीं रेत के पहाड़ों पे जा रहे हैं पर इस बार थोड़ा लग्जरी से ये मेरा दिन का आखिरी कार्यक्रम है जहां हर बार की तरह हम टेंट लगाएंगे और चिल करेंगे सुबह हम लोग मतलब पूरी चढ़ाई करके ऊपर आए थे और काफ़ी मेहनत लगी थी उसमें और अभी वो शख्स जो जा रहा है आगे देखिए मनीष भाई ड्रोव अस हेयर ऊपर लेके आए वो हमें और अब हम लोग यहाँ पे टेंट सेटअप करेंगे थोड़ा शूट करेंगे बॉनफायर करेंगे चिल करेंगे यही हमारा काम है यही हम करेंगे और यही हम करते आए हैं तू है हमारे लिए सांस तो फाइनली टेंट लग चुका है इसके लिए स्पेशल थैंक्स टू माय मदर फॉर गिविंग मी दिस मैं तो शायद नहीं लेके आता बट उन्होंने इंसिस्ट किया जोर ज़बरदस्ती की उसके बाद मैं लेके आया ये तो ये सारी टीम है भाई ये सब ने मचाओ काम किया एकदम आगे देखते रहिए क्या होता है और हम लोग अभी बॉनफायर का मज़ा ले रहे हैं और बॉनफायर का ही मज़ा ले रहे हैं बाकी बहुत अच्छा है यार ये भाई साहब हमसे मिलने हैं नाम बता दीजिए फटाफट कैलाश जी और एक और सर आए हैं हमसे मिलने सर ने पूरे गांव में अफवाह फैला दी है कि बहुत सारे लोग आने वाले सर आपने किन को क्या क्या बोला है हमने सबको बोला है गाँव वालों को भाई चल रही है आप आइए देखते हैं बहुत बढ़िया बताओ नाम बताओ धरो कहीं नाम है सत्यनारायण जी क्या करते हैं आप मजदूरी करते हैं अच्छा और अपने बारे में बताइए कुछ कहीं बताओ बहुत घुमा हूँ मैं तो आप इस तरफ कैसे आए आपको क्या लगा क्या हो रहा था इधर देखने के लिए आए भाई कौन है ऊपर अच्छा टीवी के ऊपर अलग ही कुछ लग गया आपने हाँ तो भाई कौन है ऊपर क्या कर रहे हैं टेंट लगा के बैठे हाँ सबरा बना हुआ दिख रहा है ये अच्छा इसलिए आए हम देखने के लिए बहुत सही बहुत लाइट है इधर हाय कर दो सर एक बार हाय बहुत बढ़िया तो ये और वो सर तो बिल्कुल एकदम इनको लगा बहुत बढ़िया शूटिंग हो रही है तो ये आए थे और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ये लोग मिलने आए हमसे मज़ा ही आ गया मतलब सर आपको मज़ा आया कि नहीं आया हाँ हमको बहुत मज़ा आया नहीं आके बहुत मज़ा आया हाँ ठीक है तो ये है भाई मतलब आप आओ तो आपको बहुत मतलब अच्छे लोग मिलेंगे यहाँ पे तो आप आइए और मिलिए सबसे अगर पसंद आए तो जाते जाते उस नीचे दिए अंगूठे पर क्लिक करके मुझे इसका एहसास करवाइएगा
मुझे अच्छा लगेगा। तू